नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खास खबरों पर। मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग को लेकर भोपाल में हुआ हंगामा, परिजनों ने लगाए रिश्वत मांगने के आरोप। विजन 2023 की तैयारी, मुख्यमंत्री ने अफसरों से रातापानी अभ्यारण्य में की चर्चा। आरक्षण भर्ती में सफल नहीं हुए तो बन गए लुटेरे, भोपाल के पास लूटी ट्रेन। अतिथि शिक्षकों ने भरी हुंकार, कहा चुनाव में करेंगे सरकार के खिलाफ काम। एलएन कॉलेज में पीजी की मान्यता के लिए एमआईसी ने किया दौरा। काउंसलिंग के लिए पहुंचे छात्र और उनके अभिभावकों ने आरोप लगाया कि आखिरी राउंड में 25 सीटों पर विभाग के अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना था अधिकारी उन्हें कॉलेज जाकर पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने आवेदन देकर भोपाल में ही आखिरी राउंड आयोजित करने की मांग की है। हालांकि अधिकारियों ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया है। शिवपुरी से अपनी बेटी को दाखिले के लिए लेकर पहुंचे राम कुमार गुप्ता सहित अन्य अभिभावकों ने लेफ्ट आउट राउंड में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि यदि निजी कॉलेज में लेफ्ट आउट राउंड हुआ तो वहां कॉलेज प्रबंधन अपने लोगों को प्रवेश देगा। काउंसलिंग से पहले ही उन्हें दलालों के फोन आ रहे हैं। 20 से 25 लाख रुपए में मनचाहा कॉलेज में दाखिला दिलाने की बात की जा रही है। राजधानी भोपाल के बाद यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन में लूट का मामला सामने आया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। बदमाशों ने घटना को भोपाल से विदिशा के बीच में अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बीती रात भोपाल स्टेशन से करीब 5 हथियारबंद बदमाश यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन में सवार हुए। बदमाशों ने भोपाल और विदिशा के बीच ट्रेन के पहुंचते ही सफर कर रहे यात्रियों के साथ लूटपाट करना शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्होंने जनरल कोच में फायरिंग भी कर दी, जिससे 2 यात्री घायल हो गए हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए 3 आरोपी रुपये और आभूषण लेकर विदिशा के बाद ट्रेन से कूद कर भाग निकले। इनमें से यात्रियों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद जैसे ही ट्रेन बीना स्टेशन पहुंची, वैसे ही जीआरपीएफ को सूचना दी गई। बताया जा रहा है लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे पुलिस भर्ती में आए हुए युवक हैं। पकड़े गए युवकों में एक मुरैना का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने 1 तमंचा और 3 जिंदा राउंड कारतूस बरामद किए हैं। भोपाल में इकट्ठा हुए अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि हमारी हालत मजदूरों से भी बदतर कर दी गई है। प्रदेश भर के स्कूलों में 1.5 लाख से अधिक अतिथि शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। गुरुवार को भोपाल में शुरू हुआ अतिथि शिक्षकों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। इसमें बड़ी तादाद में राजधानी पहुंचे अतिथि शिक्षक गुरुजी की तर्ज पर सीधे संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। संगठन को 2 दिन के प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनका सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। इसके लिए पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी तो वे पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि 2018 में विधानसभा चुनाव है, सरकार ने अगर कोई गलत कदम उठाया तो बड़ी संख्या में ये अतिथि शिक्षक विधानसभा चुनाव में अपनी असली ताकत दिखाएंगे। नहीं, वो अंदर काम करें, मैं भी बोल के दिया भाई, जो अंदर थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप अंदर क्यों नहीं आए थे, बुलाए गए थे तो नाम भी लिखा गया था, आप अंदर क्यों नहीं आए थे? ये वहां गेट तक गए थे आप, तो अंदर क्यों नहीं आए थे? जब सुने की परिहार परिहार कई बार चला बोलिए साथियों, मैं महेंद्र गगौलिया कांचीपुर के लिए आया हूं। सबसे पहले बात सूचना रखिए कि सीएम पहाड़ को अपने आप जहर में नहीं है ना, उनके कुछ मंत्री जहर में है और हम भी जहर में है, तो उनका आना है तो उनके बदमाश हो सके। एलएन मेडिकल कॉलेज में 6 विषयों में पीजी मान्यता के लिए एमआईसी की टीम ने निरीक्षण किया।
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की टीम ने कॉलेज के विभिन्न विभागों सहित बेस अस्पताल में आवश्यक जानकारी जुटाई। बीते 3 दिन से चल रहे निरीक्षण में टीम ने अस्पतालों के हेड काउंट के साथ अन्य जानकारी जुटाई। जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन ने आधा दर्जन विभागों के लिए MD MS के लिए आवेदन दिया है। MCI की 6 सदस्यीय टीम अचानक मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी सहित विभागों में PG निरीक्षण करने पहुंच गई। 3 दिन से चल रहे इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटे हुए नजर आए। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित माइंड ड्रॉप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भोपाल पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ करना है तो मेहनत करना जरूरी है। सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस पर जाता था, दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जल्दी सो जाता था। बच्चों को अगर मौका मिले तो उसे भुनाना चाहिए। घर में बच्चों को सही संस्कार मिलना जरूरी है। इस मौके पर भूमि पेडनेकर ने कहा, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक्टिंग करूं, मुझे पैसे भी मिले और मोटा भी होना था। दम लगा के हैशा में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी था। हमें मानसिक रूप से बदलना होगा, जनरेशन बदल रही है तो बदलाव में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अर्चना जी ने भी, अनुराधा जी ने भी साफ कह दिया कि हम आपके बोर सवालों के जवाब देने यहाँ पर नहीं आए, तो आप दिल खोल का सवाल पूछिएगा। अर्चना जी दोस्तों, हालांकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राजधानी भोपाल में राजभवन के सामने खड़ी एक कार में से लुटेरों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए। कार एक सरकारी ठेकेदार की थी, कार में 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे। बताया जा रहा है ठेकेदार एग्रीमेंट कराने के लिए राजभवन आया हुआ था। ठेकेदार कोलान निवासी मनीष गोयल ने पुलिस को इसकी शिकायत की है। घटना की सूचना मिलते ही जहांगीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मेरा मनीष गोयल। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। क्या हुआ आपके साथ यहाँ घटना? सर मैं गाड़ी यहाँ खड़ी करके मिशन एंटरप्राइजेस को अपना स्टाम्प टाइप करा रहा ना जी। 5-7 मिनट के बाद मैं टाइप करा के आया तो मेरी गाड़ी का कांच फूटा हुआ था और गाड़ी में जब मैं पैसा लगा था वो निकाल के। हरारल से बिसरोद तक BRTS कॉरिडोर के सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिसकी वजह से रोज ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रही है। नगर निगम भोपाल द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 329 करोड़ रुपए में RRL 83 से मिसरोद तक 7 किलोमीटर लंबे BRTS कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। BRTS कॉरिडोर में मिक्स लेन के दोनों ओर 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। ये सर्विस रोड कॉरिडोर के आसपास स्थित कॉलोनियों के ट्रैफिक को मिक्स लेन तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण कुछ दिन से सर्विस रोड पर होटल, शोरूम और फुटकर दुकानदारों का वाहन पार्क हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। C20 मार्ग के आसपास तो हर समय सर्विस रोड के बाहर वाहन खड़े रहते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होता है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 6 साल की एक मासूम बालिका खून से लथपथ हालत में मिली। मासूम अपने परिवार के साथ 3 दिन पहले ही तरेनी गांव से बरायठा आई हुई थी। किसी हवस के अंधे ने उसी गुरुवार रात करीब 12 बजे झोपड़ी से उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटने के बाद वो बुरी तरह लहूलुहान अवस्था में खेत में पड़ी मिली। पूनम की रात अपने परिवार के साथ पीड़िता पूजन में शामिल होने के लिए आई थी, जो 3 दिन से अपने मामा के गांव बरायठा में ही रुकी हुई थी। नरसिंहगढ़ से रोहाना के रास्ते मामा के खेत में एक झोपड़ी है जहां वो सो रही थी। रात करीब 12 बजे बच्ची गायब हो गई। परिजनों ने आसपास तलाश की लेकिन उसे आवाज थी, कहीं उसे सुराग नहीं लगा। कुछ देर बाद बालिका एक खेत में लहूलुहान स्थिति में पड़ी हुई मिली। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। परिजन उसे सीधे अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। गांव पहुंचे SDOP राजीव चतुर्वेदी की मौजूदगी में आरोपियों को डॉग के साथ तलाशने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सर ये जो मामला हुआ तो कहां तक जांच पहुंची अभी तक? अभी तो मतलब घटनास्थल पर ही है। बच्ची चूंकि अनकॉन्शियस है, जो पीड़िता है उसको भोपाल रेफर कर किया गया है। अन्य किसी को जो जहाँ मतलब बच्ची को ले जाके अज्ञात आरोपी द्वारा रेप किया गया है, वो घटनास्थल की मतलब खोज कर रहे हैं। कब का मामला है ये? रात 11-12 बजे 12-1 बजे का। तो कहाँ पर मिली थी ये बच्ची? कुआं पे, तोल में साथ थी। कुआं जंगल, कुआं पे रहते थे जंगल में। तो आरोपी का कोई पता अभी तक नहीं? तो आप लोग कहाँ थे? सर मैं तो गांव पे घुसता रहे नहीं। बुढ़िया का थी ना वो के मामा जी का? ना ना मामा जी का ना। बराठा में मामा जी का ये रेडी थी। अभी मंगलवार के दिन गई थी। मंगलवार के दिन गई थी और बराठा में।
तो फिर उसको कैसे क्या मालूम पड़ी आप लोगों को? ये 10 बजे के लगभग तो सोचती हुई सबरी चले आती, 3-4 महीने की। और जैसा पहले माँ से उठ के 11 बजे नींद खुली माँ सासू की, तुमने कुआर हेटू देखियो तो फिर उनने कुआ देखियो तो वो छोरी ने देखी, फिर ढूंढी उनने कुआ में देखी, कुआ में फिर मैं पास में को फिर वहाँ से उन्होंने अगल बगल भी देखी, फिर मैंने फोन लगा मैं आयो और मैं आके पहुँचो जैसे मैं रोड पे से मोटरसाइकिल लगा तेरे उतरियो यदि आती दिखी हुई तो खेत में से। विदिशा में कम बारिश को लेकर के कलेक्टर ने अपने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। इसमें सूखे की स्थितियों पर चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर अनिल सुचारी ने अधिकारियों से बांधों में पानी, पेयजल, फसल, पशुओं के चारे आदि की परिस्थितियों की जानकारी ली। इस दौरान परिस्थितियों से निपटने के लिए कम पानी वाली फसल बोनी के लिए किसानों को जागरूक करने एवं मनरेगा में डैम, बोरी बंधान बनाए जाने आदि जरूरतों पर जोर दिया गया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बांधों में कम पानी है, सिर्फ संजय सागर एवं सगड़ में ही कुछ पानी बचा हुआ है, जिससे पलेवे के लिए ही पानी देने की स्थिति है। गांव में पशुओं के चारे की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन पानी की समस्या आ सकती है। इस दौरान भूसा परिवहन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार हुआ। इस दौरान ये भी बताया गया कि जिले में 144 बस आइटें ऐसी है जहाँ पेयजल संकट की समस्या आएगी। कलेक्टर ने इस तरह के और गाँव को चिन्हित करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने कहा है कि 15 सितम्बर से कृषि संगोष्ठियों का आयोजन होना है। इन संगोष्ठियों में किसानों को कम पानी की फसल व जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कृषि उप संचालक को कम पानी की फसल के लिए बीजों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि नवंबर से पेयजल संरक्षण अधिनियम के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। विदिशा में पर्यूषण पर्व के समापन अवसर पर एक चल समारोह निकाला गया। गाजे बाजे में भक्ति गीतों के साथ निकले इस चल समारोह में चांदी की पालकी में भगवान महावीर विराजमान थे। विभिन्न मार्गो से होता हुआ चल समारोह माधवगंज पहुंचे जहाँ भगवान का अभिषेक हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन शामिल रहे, सभी एक दूसरे से गले मिलकर क्षमा मांग रहे थे। प्रवक्ता अविनाश जैन ने बताया कि इस मौके पर मुनि श्री पुद्दू सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि जो अभिमान की पारी खेलता है वह हमेशा हारता है और क्षमा की पारी खेलने वाला हमेशा जीतता है। उन्होंने कहा कि क्षमा वाणी का भाव तो जीवन में प्रतिक्षण होना चाहिए। मुनि श्री ने कहा जीवन में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा का। क्षमा को धारण करने वाला चंदन के वृक्ष के समान होता है। सीहोर के कई निजी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर बच्चों से मोटी रकम वसूल की जा रही है। मनमानी शिक्षा लेने के बाद भी ये शिक्षा विभाग के मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसकी हकीकत बुधवार को जिले में मोगराराम गांव में देखने को मिली, जब BRCC निरीक्षण दल को कई दिन से बिना मान्यता के चलता हुआ स्कूल मिला। शिक्षा विभाग के अफसरों को सूचना मिली कि मोगरा का सुपर ब्रेंड इंटरनेशनल स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। इसके बाद इसका रिकॉर्ड खंगालने पर BRCC के अफसर ने स्कूल में दस्तक दी। उनके हाथ में रिकॉर्ड संबंधित दस्तावेज सामने आए तो वो चौंक गए। दल ने स्कूल प्रभारी से स्पष्ट कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं उससे समझ सकते हैं कि किस तरह से बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। रायगढ़ में सोयाबीन और मक्का की फसल आकलन होने के बाद सर्वे की मांग को लेकर किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। जिले में कम बारिश के कारण फसल बिगड़ चुकी है, इससे परेशान किसानों ने कलेक्टर के सामने जाम लगा दिया। इसके बाद तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहा। इसे कई वाहन परेशान हुए, जाम में स्कूली बच्चों के वाहन भी फंसे रहे। बाद में एक हफ्ते के अंदर सर्वे का आश्वासन पर किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन में करीब 9 गांवों के किसान शामिल थे। राजगढ़ जिले के मांचलपुरा में लैब टेक्नीशियन द्वारा जांच के नाम पर 100 रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। शासन द्वारा शासकीय अस्पतालों में मरीजों को दवाई से लेकर सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अब हालात ठीक इससे विपरीत नजर आ रहे हैं, जहां मरीजों को निःशुल्क दवाई तो नहीं मिल रही है बल्कि जांच के नाम पर भी उनसे अवैध वसूली की जा रही है। ऐसा ही मामला गुरुवार को देखने को मिला, जहां नगर परिषद अध्यक्ष कन्हैयालाल वर्मा की पत्नी गीताबाई मलेरिया और टाइफाइड की जांच कराने अस्पताल स्थित लैब पहुंची थी। वहां मौजूद लैब टेक्नीशियन ने जांच के नाम पर उनसे 100 रुपए की मांग की। इसका उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन लैब टेक्नीशियन ने बिना फीस के रिपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम गीताबाई ने अपने पति नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल वर्मा को बताया, जिस पर वर्मा अस्पताल पहुंचे और लैब टेक्नीशियन को खरी खोटी सुनाई, जिस पर टेक्नीशियन ने अवैध रूप से मांगी गई फीस 100 रुपए लौटाने की बात कही। मतलब नहीं है, अगर आप शासकीय कार्यालय में अगर जांच कर रहे हो तो पैसे किस बात के, बताओ। तो ये गरीब जनता है, इनसे भी 100 रुपए लेके इनसे नहीं है वो पैसे जनप्रतिनिधि से अगर पैसे देगा वो तो ये जनता जो इससे क्या करेगा। गुना के एक सामुदायिक केंद्र में नर्सों की बर्बरता सामने आई है। यहाँ गुरुवार को आयोजित रक्तदान शिविर में एक महिला ने नर्सों पर आरोप लगाया कि उससे 1,000 रुपए प्रसव के नाम पर मांगे जा रहे हैं। आदिवासी महिला ने बताया कि अस्पताल के स्टाफ की एक नर्स ने उससे 1,000 रुपए की मांग की।
यह भी कहा कि 1000 रुपए नहीं मिलने की स्थिति में प्रसव अस्पताल में नहीं होगा। आदिवासी महिला ने 500 रुपए होने की बात कही तो उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया। हत्या हो गई जब पीड़ित महिला प्रसव के कारण बाहर तड़पती रही। उधर जनप्रतिनिधि का समावेश ब्लड डोनेशन में लगा हुआ था लेकिन किसी जनप्रतिनिधि की नजर उस पर नहीं पड़ी। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद महिला को अस्पताल में पलंग उपलब्ध कराया गया। क्या लगा आप डिलीवरी लेकर? हेयर हो गई डिलीवरी? नहीं भाई डिलीवरी। यहाँ पे कब आया? संध्या के 8 बजे। हेयर क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर का कह रहा बेटा कहीं नहीं लगान दे रहे। कहा है? रुपया मांग रहे हैं 1000 रुपये दे दूंगा। अच्छा और? फिर तुमने कैसे ही देवेगी? हमने 500 रुपया रांदा है। अच्छा एक भी रांदा है फिर भी नहीं सुन रहे। फिर भी नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। ठीक है। आरोप लगाया उस महिला ने बसार वाली ने डिलीवरी की 1000 रुपये लिए, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखो मैं पता करवाता हूँ क्या है मैटर, अभी मेरे को तुम्हारे सामने ही सामने आया है, देखता हूँ अगर ऐसा कुछ मिलता है तो कार्रवाई करेंगे। जैसा कि उसको बेचारी 500 रुपये ना होने के कारण बाहर डाल दिया गया और बाहर पड़ी हुई थी, उसके बारे में? तो उसके बारे में हमें तो पता नहीं चल पाया। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गलत कह रही, गला जरूर देखा तो उठवा के मैंने अंदर करवा दिया। मैं जानकारी लूंगा अपने स्टाफ से, क्योंकि आज ब्लड डोनेशन कैंप है तो थोड़ा मैं बिजी था। सीहोर जिले के जावर में खाकी वर्दी का रोग दिखाकर एक युवक के साथ मारपीट और उसके ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने टीआई को शिकायत दर्ज कराकर संबंधित पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। नरेन पिता मदन भावसार ने शिकायत में कहा है कि भागवत कथा सुनकर वापस लौट रहा था। इसी बीच पुलिस के 2 जवान आए और बिना कुछ बोले मारपीट करने लगे। इससे आंख पेट गर्दन आदि में उसे गंभीर चोटें आई है। वहीं वाहन में बैठाकर उसे चौकी ले गए जहां 22 से 40 रुपए निकालकर जबरदस्ती पर्ची बनाकर झूठा प्रकरण बना दिया। इसके बाद जमानत पर वाहन छोड़ा गया। तो मेरे से कबूल करवाया, देखो तू सट्टा खाता। मैंने साहब मैंने सट्टा नहीं देता हूँ, मैंने क्या, मैं गरीब आदमी हूँ। भाई एक पीट दिया मैंने, मारा ही। पैसा कितना निकाले? 2260। सांची में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार की स्वास्थ्य की कामना के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्य चौराहे पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसमें पार्टी के कई सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। उल्लेखनीय है डॉक्टर शेजवार हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए 2 दिन पहले मुंबई गए हैं। इससे पहले दिल में तकलीफ होने के कारण उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मुंबई जाने की सलाह दी थी। गुना में संकल्प सिद्धि अभियान के तहत शुक्रवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के कई स्कूलों में रैली निकाली गई। बाद में जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रभारी मंत्री जयराम सिंह पवैया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने की जानकारी से अवगत कराना था। प्रशासन इस अभियान में विशेष रुचि ले रहा है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना का क्रियान्वयन करने में अहम भूमिका निभा रहा है। कुछ और खबरें जिन्हें आप जानना चाहते हैं वे संक्षेप में आपके सामने। पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार से भोपाल के कोलार रोड पर डामर का पक्का सुधार कार्य शुरू कर दिया है। यहां कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ पेचवर्क कर रहे हैं। ये शहर की सबसे खराब सड़कों में से एक है। सर्वधर्म के यहां तो काफी गड्ढे हैं। अब बारिश थमने के बाद ये सुधार कार्य शुरू हुआ है। गुना रेलवे स्टेशन पर यात्री पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी विकलांग यात्रियों को होती है, क्योंकि जिन नलों में पानी आ रहा है वहां की ऊंचाई अधिक है, जिस तक विकलांग नहीं पहुंच सकते। आम यात्रियों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाने से बोतल पर महंगा पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गुना जिले के नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपने ब्लड ग्रुप और फोन नंबर भी स्वास्थ्य विभाग के पास जमा करवाए। भोपाल के कोलार रोड पर CI चौराहे के पास गड्ढे में आए दिन वाहन चालक गिर रहे हैं। यहां एक ऑटो गिर गया जिससे सरिये लदे हुए थे, हालांकि वाहन चालक को हल्की चोटें आई हैं। ब्लू व्हेल गेम को लेकर बच्चों की मौत की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अब स्कूलों में इस गेम के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत परिजनों से भी अपील की जा रही है कि वो बच्चों का ध्यान दें, जिसमें बच्चे जिस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं उसे लगातार चेक करते रहे। उस नाम से संबंधित ब्लू वेल नाम से संबंधित गेम को कोई भी नहीं खेले। इवन उसको ओपन करके देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि वाली इंजन इसके अंदर क्या है, हमको नहीं जानना है कि उस गेम के अंदर क्या है। पहला इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आपको मोबाइल से दूर रहना ही चाहिए। मोबाइल आपके लिए बहुत कंपल्सरी थिंग्स नहीं है, बहुत नेसेसरी आइटम नहीं है, और आप इसको ओनली कॉलिंग के पर्पज से यूज़ करें अपने पेरेंट का। आपको तो मोबाइल का कोई जरूरत है नहीं, करेंट के मोबाइल भी आप ऑन किलर जो आपको मृत्यु की ओर आकर्षित करता है और आपको सम्मोहित कर लेता है। इसलिए ऐसे गेम की ओर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। पहली बात तो आप मोबाइल के गेम की ओर ही ध्यान ना दें। दूसरी बात यदि आप कोई थोड़ा बहुत गेम एंटरटेन के पर्पज से खेलना चाहते हैं तो आप ब्लू वेल से बिल्कुल दूर रहें, ऐसे गेम को हाथ ना लगाएं, ना ही उसके बारे में पढ़ें और ना ही उसके बारे में सोचें। हमें विचार भी नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव थिंग से नेगेटिव वर्क है, इसलिए हमें उस बारे में कोई विचार नहीं करना। आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, घर में आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आप उनको भी इस बात के लिए इंस्ट्रक्ट करें कि आप मोबाइल का यूज ना करें। पहली बात कर रहे हैं तो ब्लू वेल गेम जैसे से बचकर रहें, इससे बिल्कुल दूर रहें। इवन कंप्यूटर में लैपटॉप पे भी अगर आप गेम करते हैं तो इससे आप दूर रहें, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों की आप मानसिक सुदृढ़ता इतनी नहीं है आपके अंदर, आप इतने मजबूत नहीं है मानसिक रूप से कि किसी भी सम्मोहित क्रिया का सामना कर सकें या आप किसी बात को समझ सकें कि हमारा मस्तिष्क क्या कर रहा है, क्या सोचने जा रहा है। इसलिए ऐसी बातों से और ऐसे गेम से दूर रहें। गुना जिले के कैंट थाना अंतर्गत गुलाबगंज क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को क्षेत्र के ही युवक ने तलवार से हमला कर दिया। मामला एक तरफा प्रेम का है, युवक किशोरी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। किशोरी ने जब इनकार किया तो संघी युवक ने युवती पर तलवार से हमला कर दिया। मोहित मेरे घर पे आया, मुझसे बात करने की कोशिश की, मेरी मम्मी को बुलाया, हमने बोला नहीं है मम्मी। फिर हम उसके घर पर गए, उसके घर पर मेरी दीदी को पकड़ लिया और मुझ में तलवार मारता रहा। मैं दौड़ी और कीचड़ में गिर गई, फिर भी वो मारता रहा मुझ में। बहुत कम से कम 15 तलवार मारी। मेरा ट्यूशन स्कूल हर जगह पीछा करता था। मैं उसे विरोध करी तो उसकी फैमिली के पास गई, एक बार नहीं 3 बोला फैमिली को, नहीं समझाया। फिलहाल आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।